जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 10 किलोमीटर का फासला अभी बाकी है, ट्रैफिक काफी ज्यादा है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता एनसीबी जाता है, तो जाहिर तौर पे लगभग आधे घंटे का वक्त और लग सकता है रिया जब तक एनसीबी पहुंचे, पर बहरहाल उनके लिए तैयारी पूरी की गई है। सबसे पहले जब रिया पहुंचेंगी तो उनसे एंट्री कराई जाएगी कि वो हाजिर हुई है, उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, फिर उनको कमरे में ले जाया जाएगा, वहां पे आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, महिला का अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, वहां उनसे पूछताछ होगी, गहन पड़ताल के बाद रिया चक्रवर्ती से पूरा उनका बयान लिखाया जाएगा जिसपे साइन कराया जाएगा। आप देख रहे हैं काफी ट्रैफिक है तो थोड़ा समय और लग सकता है। लगभग 12 बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और वहां से फिर 12 बजे से उनसे पड़ताल शुरू होगी। जाहिर है एनसीबी पूरे तार जोड़ने की कोशिश कर रही है, बॉलीवुड से के बड़े आकाओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिनके इशारे पे ये पूरा ड्रग का रैकेट चल रहा था। आपको बता दें कि रिया के ऊपर इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं है, रिया के ऊपर इल्जाम ना सिर्फ ड्रग लेने का है बल्कि ड्रग मंगाने का भी और ड्रग पेडलिंग करने का भी है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड पंजी पंजा कसने की तैयारी। चित्रा त्रिपाठी आपके पास आता हुआ, कितना फासला कवर हो गया, कितना बाकी, कितनी देर में पहुंचेंगे, कितना किलोमीटर का रास्ता अभी बचा है? चित्रा त्रिपाठी देखिए, जैसा कि जानकारी मैं उसमें खुद दे रही थी, हालांकि जो कॉन्वॉय है लगातार उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। आमतौर पर मुंबई में इतनी तेजी से गाड़ियां दौड़ती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कोशिश यही की जा रही है क्योंकि हम लोग भी लगातार, हमारी तीन तीन टीम, अरविंद ओझा भी उनको फॉलो कर रहे हैं, मौसमी भी फॉलो कर रही है और मैं खुद उनको फॉलो कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिये, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही, चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या 15 करोड़ के हेरफेर का मामला हो, ये पूरे के पूरे मामले उन्हीं के इर्द गिर्द इस वक्त चल रहा है और ऐसे में एनसीबी ही सबसे कामयाब इस वक्त है और इसी वजह से एनसीबी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल काफी तेजी से गाड़ियां आगे निकल रही हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसा कि मौसमी जानकारी दे रही थी कि कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी दफ्तर वो वहां पर पहुंच जाएगी। जी, दोनों हमारे साथ है, अरविंद ओझा भी मौजूद है। रूट बता दें, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बांद्रा रूट होते हुए उसके बाद बांद्रा वर्ली सीलिंग, फिर वर्ली सीएसटी बलाड होते हैं, फिर एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि उस जो रूट है उनका उस फासले को हम भी उतनी ही तेजी से कर पाए, क्योंकि पहले पुलिसकर्मियों ने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, उनकी कोशिश यही थी कि हम पीछे रह जाएं और वो गाड़ियां आगे निकल जाएं, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाए और अब बस कुछ ही पलों में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो समय है 11:30-12 के आसपास माना यही जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर पुलिसकर्मियों की टीम वहां पर पहुंच जाएगी। पुलिसकर्मी के सामने ये अहम जिम्मेदारी है कि वो पूरी सुरक्षा के साथ उनको वहां पर पहुंचा दें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो जाएगी? अपने आप में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के पास सबूत है और इसी वजह से जब ये सवाल पूछा गया था कि अगर बिल्कुल अरविंद ओझा, जी देखिए नौजवान, बेहद ये जो पूरा कॉन्वॉय आप देख पा रहे हैं लंबा कॉन्वॉय है और ये जानबूझकर मुंबई पुलिस, चूंकि सुरक्षा का खतरा है, आगे पीछे तमाम